तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की जो स्क्रिप्ट है वो लीक हुई थी, वो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अगर आप ये वाला ट्रेलर देखेंगे, पहला ट्रेलर देखेंगे और आप वो वीडियो देखेंगे, तो आपको पॉसिबिलिटी ये फील होगी कि जो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी सच हो रही हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि वो जो लीक है वो काफी स्ट्रांग है। तो उस वीडियो में मैंने इल्यूमिनाटी वाला सीन जो है वो एक्सप्लेन किया था सारा, लेकिन ट्रेलर 2 आने के बाद लोगों के जहन में और भी सवाल है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उस सीन को और ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया जा सके। अब बेसिक आइडिया इस मूवी का ये है कि वांडा को अपने चाहिए बच्चे, और इस मूवी में वो हर हद पार करने को तैयार है अपने बच्चों को हासिल करने के लिए। तो वो मल्टीवर्स के किसी ऐसे कोने में जाना चाहती है जहां पर उसके बच्चे मौजूद हों, यानी कि कोई ऐसा वेरिएंट मौजूद हो जहां पर उसके बच्चे भी हों। तो उसके लिए उसे पोर्टल ओपन करने हैं, और पोर्टल वो खुद ओपन नहीं कर सकती, उसके लिए उसको हेल्प चाहिए अमेरिका चावेज की। अब अमेरिका चावेज उसकी हेल्प नहीं करना चाहती, वो आ जाती है भाग के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, और वांडा लग जाती है उन सबके पीछे। तो वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स जंप कर रहे हैं बार बार। तो जब वो इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें मोडो पकड़ लेता है और कहता है तुमने क्या मल्टीवर्स की मां बहन एक की हुई है, तुम क्या कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, इधर आना। तो वो उसे पकड़कर ले जाता है इल्यूमिनाटी के पास। तो इल्यूमिनाटी उस यूनिवर्स के वो अकलमंद लोग हैं जो उसके लिए फैसले लेते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि वो उस यूनिवर्स के चौधरी हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स जंप कर रहे हैं बार बार, लेकिन अगर आप ट्रेलर में सीन देखेंगे तो उसमें तो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसको पकड़कर इल्यूमिनाटी के सामने लेकर जाया जा रहा है। तो अमेरिका चावेज किधर है? तो उसका जवाब यह है कि जब हमने इसका टीवी स्पॉट देखा जो अलहदा रिलीज हुआ है 30 सेकंड का, उसमें हम देख सकते हैं कि उसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि मोडो ने दोनों को पकड़ लिया। मोडो ने उसको पकड़ के एक जगह पर कैद कर दिया ताकि वो भाग ना सके, और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लिया इल्यूमिनाटी के सामने लेकर जाने के लिए। अगर आप टीवी स्पॉट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका चावेज की रखवाली करने के लिए वहां पर एक औरत मौजूद है जिसका नाम है क्लिया। वो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉमिक्स में लव इंटरेस्ट भी है, उसकी डिसाइपल भी है, और यहां पर वो इन लोगों की हेल्प भी करेगी। अब जब वो अल्ट्रॉन के बॉट्स जो हैं वो लेकर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को उस इल्यूमिनाटी के सामने, तो वहां पर हम कुछ कुर्सियां लगी हुई देखते हैं। तो उसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि कौन कौन मेंबर शामिल होंगे। एक तो प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर जिसकी हम आवाज सुन चुके हैं, उनमें एक मोडो खुद हो सकता है। इसके अलावा पेगी कार्टर जो कैप्टन ब्रिटेन है वो भी हमें देखने को मिलेगी इसमें। अब कैप्टन ब्रिटेन तो नहीं कभी कहा, कैप्टन अमेरिका ही कहा, लेकिन उसके झंडे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा इनमें एक कैप्टन मार्वल होगी। अब वो मोनिका रैम्बो होगी या मारिया रैम्बो होगी, वो उन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन हम ट्रेलर में उसका एक सीन देख चुके हैं जब वो वांडा के साथ फाइट कर रही है, तो वो वही है। इसके अलावा एक होगा बॉल्डर द ब्रेव। अब जो रूमर्स में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको ब्रूस कैंबल प्ले करेंगे, वही जो ईवल डेड वाला एश है ना वो बंदा। अब इसके अलावा ये भी लग रहा है देखने से कि वहां पर मिस्टर फैंटास्टिक भी बैठा हुआ है, लेकिन ये बात कितनी सच है इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो बाकी बातें आपको पहले मैंने बताई हैं वो काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि सच है, और इस ट्रेलर ने उन चीजों को बहुत ज्यादा हद तक कंफर्म कर दिया है। अच्छा, अब जब वो इल्यूमिनाटी के सामने लाते हैं तो वहां पर फैसला ये होना है कि अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मल्टीवर्स में बहुत पंगे हो चुके हैं। तो अब वो चाहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया जाए जो एमसीयू वाला है, लेकिन तभी वहां पर वांडा अटैक करेगी जो एमसीयू वाले ही वांडा है जो ईविल बन चुकी है, तो वो अटैक करेगी और सब उसी के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्लिया अमेरिका चावेज को छुड़ाएगी और फिर वो सारे मिलकर वांडा के खिलाफ लड़ेंगे। यहां पर जो हमारी एमसीयू वाली वांडा है जो ईविल बन चुकी है वो सबकी रज के ठुकाई करती है, स्पेशली प्रोफेसर एक्स की। यानी कि अभी तक आपने जितनी भी वांडा को देखा है ना कि वो पावरफुल है, आप सोचते हैं कि यार वो बड़ी पावरफुल है, इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। वो प्रोफेसर एक्स की भी ठुकाई करेगी, कैप्टन मार्वल की भी ठुकाई करेगी, बॉल्डर द ब्रेव की ठुकाई करेगी, डॉक्टर स्ट्रेंज की ठुकाई करेगी, यानी कि जो बंदा उसके सामने आएगा वो उसकी ठुकाई करती जाएगी। यानी ये सीन बहुत ज्यादा हैवी होने वाला है। जितना ये ट्रेलर हैवी है ना उससे कहीं ज्यादा ये मूवी हैवी होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रेलर लाजमी देख लिया होगा। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आप लोगों के क्या तासुरात हैं वो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं।